de enige echte Saddam. Welkom. Hey. बहुत खुशी की बात है यहाँ पर बैठे हुए केशव जी है फैंकी जी है समर है और सनम जी है यहाँ पर आपको हृदय से हार्दिक से स्वागत अमोर होलैंड में आप हो चुके हैं हाँ ये अमोर से नाम है और इस वक्त प्रोग्राम सुनाई देता है अमोर होलैंड से एकदम हम लोग इस वक्त वहाँ पर सभी लोग सुन रहे हैं आपको हमारा रेडियो से हमारे अमोर स्टूडियो नाम की ओर से काफी से स्वागत सुना है चुपचाप प्रोग्राम होलैंड में हुआ है बहुत मजा है मैं पूछ रहा हूँ सरम जी से बोलिए शो के बारे में बताइए शो तो अल्टीमेट था हमें था कि तीसरी बार कर रहे हैं लोग आएंगे नहीं आएंगे लेकिन फिर से फुल हाउस किया और इतना मजा आया हमें परफॉर्म करने में लोगों की एनर्जी सेम थी और नहीं इनफैक्ट बेटर थी पहले से भी अच्छा तो इट्स ओनली गेटिंग बेटर विद टाइम आई थिंक वी विल कम अगेन नेक्स्ट ईयर एंड इट विल बी मोर अमोर मोर मोर अच्छा तो ये था सनम शो के बारे में दोस्तों बात कर रहा था जो आप लोगों को साथ रख नई दिल्ली में हुआ है समर हाँ कुछ बताइए आप हॉलैंड के शो के बारे में अभी हम बाकी के बात करेंगे सुरनाम के शो के बारे में ये होगा हॉलैंड में हमने तो मतलब जो शो था बहुत ही अच्छा गया जो रिस्पांस था बहुत मजा आया हमें शो करने में और बहुत पॉजिटिव था सब कुछ और हम सुरनाम का वेट कर रहे हैं 17th को कांट वेट फॉर द शो नखफी नखिस लापो है भाई गुरिन चार रात और ये रातें ये मौसम होगा तो फैंकी हाँ बोले हाँ आप तो खितार बहुत अच्छा बजाते हैं थैंक यू बहुत मजा आता है थैंक यू हाँ आपके ख्याल क्या है जो होलम में हुआ शो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम फैंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये तभी हो सकता है जब हम विदेश में परफॉर्मेंसेस दे क्योंकि हम लाइव चैट्स तो करते हैं तो वी गेट टू नो सम ऑफ द पीपल लेकिन जब फैमिली से मिलते हैं उनके साथ जैसे सेल्फीज क्लिक करते हैं सो वी सी द अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन एंड द जॉय दैट यू नो बोथ ऑफ अस गेट लाइक मैं देख रहा हूँ कि सनम का परिवार बहुत बड़ा हो जा रहा हो रहा है हाँ एग्जैक्टली बहुत बड़ा परिवार अच्छा वो था केशव आपके आपके राय है क्या क्या है वो जो शो हुआ हॉलैंड में बहुत मजा था एक्चुअली वन रियली गुड थिंग वाज कि हॉलैंड में बहुत सारे लोग थे जो बोले थे कि हम सुरिनाम का शो देखने के लिए भी आ रहे हैं मतलब हॉलैंड का शो देखने के बाद फ्लाइट लेके अभी वापस सुरिनाम आ रहे हैं फिर से सेम शो देखने के लिए दैट मींस लाइक सो मच टू अस लाइक यू नो सेम थिंग हैपनिंग इन जस्ट फ्यू डेज एंड दे कमिंग बैक टू सी दैट सो इट्स लाइक जस्ट वंडरफुल बहुत ये बहुत बड़ी बात है कि आपके फैंस आपके पीछे आ रहे हैं हर शो के लिए और वो फ्लाइट्स भी ऐसे बुक किए कि वो बोले थे कि विल सी यू ऑन द फ्लाइट तो सोचे थे कि हम नेक्स्ट डे निकल रहे हैं सोच समझ कर हां तो बोले थे कि विल सी यू ऑन द फ्लाइट एंड देन विल सी यू ऑन सुरिनाम तो फिर हमने बोला कि नहीं हम तो थोड़ी देर के बाद जा रहे हैं अच्छा पिछले बार सरन जी पिछले बार तो आप कुछ यहां के लोकल गाने गाए थे बिल्कुल और आजकल भी कुछ लोकल हिट है मेरे ख्याल से लेकिन वो अभी रिवील नहीं कर सकते सरप्राइज रहना चाहिए कुछ ठन बचता है हमें जो पुराने गाने वो बहुत अच्छा लगता है बात ये है अभी कुछ पुराने गाने चला रहा था आप लोग गाड़ी में थे भी तो ऐसा लगता है कि पुराने गीत में आप नई जान डाल दी है इट्स कंप्लीट न्यू सॉन्ग सुनने में मजा बहुत मजा आता है पुराने गीतों को भूल जाते हैं यार हम भी सीखते हैं कि गाने में क्या होता है जब हम रेंडिशन करते हैं बनाते हैं ना तब हम देखते हैं अरे इस गाने में तो ये भी है ये म्यूजिक पार्ट है ऐसा एक्चुअली जो लाइन है जो सिंगर ने गाया है ऐसा गाया है तो वो सब हमें सीखने को मिलता है क्योंकि वी माइट नो द सॉन्ग पर्टिकुलर वे लेकिन अगर हम रेंडिशन कर रहे हैं उस गाने का तो देन वी गेट इन टू द यू नो इन टू द सोल ऑफ द सॉन्ग और फिर हमें पता चलता है कि ये गाना इतना लोगों को इतना पसंद क्यों आता है बहुत से लोग गाने कवर करते हैं तो आपके पास वो सक्सेस फॉर्मूला है जो किसी के पास नहीं है अभी से फॉर्मूला नहीं पर हमें अच्छा लगता है गाने में
कितनी चीजें हैं जो अच्छी होना चाहिए ना कि आपके गाने के ऊपर डिपेंड होते हैं। थिंक ऐसा है कि जो भी हम हैं नेचुरली लकीली लोगों को पसंद आ गया, हमने सोचा नहीं था पसंद आएगा। हम तो वही सोच ही कर रहे थे कि जैसे पूरी दुनिया चल रही है वैसे हम चल रहे हैं, लेकिन आपको पसंद आ गया हमारा। लेकिन आप लोग इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन आप कोई घमंड वगैरह नहीं आप लोगों को मेरे ख्याल से, उसकी हम लोग इतना बड़े स्टार है उसमें क्या। सो हमारा क्या है कि हमें सिर्फ काम करना है और मस्ती करनी है और कुछ नहीं करना, बस वही फैमिली, काम और मस्ती, बस ट्रैवल करना है, do a lot of shows. Yeah, we get to travel. That's the best part. Perks of the job. अलग-अलग लोगों से मिलते हैं। और हम Some here to Suriname. Some of the future formula ही। ये मैं बोल दूँगा। चार नदी हो गया एक समुंदर। अच्छा। वाह। शायद तो यहाँ पे चार नदियाँ हो गया समुंदर। चार चारों सनम। चार नदी मिलकर बन गया समुंदर, वो है सनम। तो ये बहुत ज्ञान भरी बात की है भाई वीरेंद्र कर्दना जी, दौरखानी साथोर ऑन रॉयल डच एंटरटेनमेंट्स। तो ये था कुछ बातें हॉलैंड के सुरनाम में। अब की बार हॉल अंदर ये शो नहीं होगा, बाहर होगा, तो बाहर का सेटिंग कुछ और है, साउंड भी अच्छी रहेगी, वो काफी अलग होने वाला है। ये आई थिंक हम सबके लिए बहुत नया होगा और एंड यू मस्ट कम फॉर द शो बिकॉज़ दिस इज गोना बी वेरी वेरी डिफरेंट। द वेन्यू इज अमेजिंग। दूसरा, जब भी हम एयरपोर्ट से बाहर निकले एक वो सुरनाम की कलक खुशबू आती है, तो वो एकदम वो जब अंदर इनहेल किया उसको इतना घर में वापस आए, होम फीलिंग आई, क्योंकि हमने काफी टाइम स्पेंड किया सुरनाम में और अब वापस आके लग रहा है हम घर में आए वापस, क्योंकि एंड प्लस करताराम जी ने भी हमें बहुत ज्यादा फैमिली की तरह ट्रीट किया है। हमने यहाँ पे एक वीडियो भी शूट किया था, तो इट्स लाइक इट्स जस्ट बिकम लाइक अ सेकंड होम, नीले अंबर, यस, या बिकम लाइक अ सेकंड होम फॉर अस। आप लोग जो पहली बार आए थे, हम लोग बैठ के कॉफी पिए थे वहाँ पे होटल के आगे सामने, यस। तो आपने सवाल की कि हम लोग बाहर चलना चाहते हैं, और जब आप बाहर निकले तो आपने पूछा कि यहाँ के आर्मी लोग किधर हैं। मंडे था मेरे ख्याल से या संडे था, कुछ ज्यादा लोग नहीं था, भीड़ भड़क का नहीं था, इसलिए आपको सवाल की नहीं। एक्चुअली हमें मुंबई की बहुत आदत है, तो वहाँ पे लोग ही लोग दिखते रहते हैं, तो उसके बाद मतलब मुंबई इतना ज्यादा लोग है वहाँ पे कि 25 मिलियन के उसके एग्जैक्टली या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग बोलते हैं यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो भी कम लगते हैं, तो इसलिए हमें फिर कम लगा यहाँ पे थोड़ा, लेकिन अच्छा है, थोड़ा ब्रीथ करने को मिलता है। आपके सवाल के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रियली यहाँ पर तो बहुत कम आदमी रहते हैं, 400-500 हजार नहीं है, लेकिन बहुत लविंग है, अच्छा है, सब बहुत इजी है, इजी टू मैनेज है, कम लोग होते तो। अच्छा, तो मुट्ठी भर यहाँ पर हिंदुस्तानी है और आपका शो मंगाए यहाँ पर रॉयल डच एंटरटेनमेंट्स, छोटी सी देश ये है हमारा सुरीनाम, जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं, फिर भी आपको वापस आना पड़ता है यहाँ पर। आना पड़ता नहीं, आने का मन करता है। आते रहेंगे जब तक आप लोग बुलाते रहेंगे और आपको पसंद रहेगा हमारे शो। अच्छा, आपका एक गाना है गुलाबी आंखें, उसमें कुछ स्पेनिश गिटार वगैरह बजता है, हो जाए एक दो लाइन। दिल में मिली तस्वीर जैसी होगी मैं कहीं जाना रहा।
और खड़ो फिल्म मोई दोस्तों भाई बहनों की ये आप लोगों का बड़कपन है और इसलिए सुनने में मजा आता है कि आप लोग रियली म्यूजिक से बिजी रहते हैं। ये ना सिर्फ सुनने में आता है ये देखने में भी आता है। सरन जी आपके गाने का चॉइस कौन करता है कि ये गाना गाया जाए? ये हम चारों मिलकर करते हैं क्योंकि हमें देखना है कि जो भी उसमें म्यूजिक डाल रहे हैं सिंगिंग है उस तरह से हो जिस जो हम चारों का जिसमें ब्लेंड अच्छे से बैठे। हम काफी गाने ट्राई करते हैं बजा के देखते हैं कि क्या वर्क करे क्या नहीं कर रहे हैं तो ऐसा चॉइस हम सबका मिलजुल के होता है। एक गाना मैंने सुना अभी हाल ही की बात है सुनकर मैंने कुछ नहीं बोला सुनकर सुन लिया बैठ गया मैं ला बम्बा इट्स वेरी नाइस सॉन्ग थैंक यू और सुन के दिल खुश हो जाता है क्योंकि हाँ इट्स हैप्पी सॉन्ग वेरी हैप्पी सॉन्ग। लेकिन वो किसका चॉइस था? सॉरी वो किसका चॉइस था? वो चॉइस एक्चुअली बेन का था हमारे जो मैनेजर जो हाँ तो बेन थॉमस जो हमारे मैनेजर है उनका था चॉइस लेकिन मेनली उसमें फिर वेंकी का बहुत ज्यादा इनपुट है जिस तरह वो प्रोड्यूस हुआ है गाना। और ये थॉट प्रोसेस था उसमें कि क्योंकि स्पैनिश एक भाषा है जो इंग्लिश के बाद बहुत लोग दुनिया में स्पैनिश में बात करते हैं तो वी थॉट दैट व्हाई नॉट लाइक डू अ स्पैनिश सॉन्ग क्योंकि हम लोग सिर्फ हिंदी गाने नहीं करते आजकल स्पैनिश सॉन्ग वेरी पॉपुलर कुछ फ्यूजन होता है स्पैनिश इंग्लिश हिंदी बॉलीवुड में भी कुछ गाने हैं जैसे नीले चार रात और गुजारना पड़ेगा उसके बाद आप रहेंगे स्टेज पर सैटरडे 17 November तो हम लोग आप लोगों को देख चुके हैं एक बार यहाँ पर शाम दो बार कि एक बार हम लोग और आपको देखना चाहते हैं लेकिन कुछ नए नए गानों के साथ जो हम लोग गाने यहाँ पर कुछ ला रहे हैं जैसे ला बम्बा हुआ और ठन ठना पे बाजे कुछ आने वाले सनीचर को कुछ ऐसा सेटिंग किया गया है साउंड अच्छी रहेगी उस कॉन्सेप्ट देखने सुनने में मजा आएगा बहुत से लोग रहेंगे क्योंकि हॉलैंड में सोल्ड आउट आई थोको अहोई तो वहाँ पर सोल्ड आउट था बहुत से लोग खुश हुए मैं बहुत से लोगों से बात की कोई भी नहीं कहा कि हमको अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ सुनना में होते हुए मैं फेसबुक पर लाइव देखते थे आप लोगों का प्रोग्राम कुछ गाने ऐसे है कुछ लोग नाचते थे भी वहाँ पर बहुत अच्छा चला
हम लोग के पर गए रुकने के लिए नहीं, सब लोग आ रहे थे आगे है, इस बार नहीं रुकेंगे बिकॉज़ ये स्टेज है ना, और कुछ कर सकते हैं वहाँ पे, डांट खाई लोगों ने वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत इस बार क्या करते हैं, अगर लोग नहीं आगे आ पाएंगे हम नीचे चले जाएंगे। हॉलैंड से पहले आप कौन सा देश में थे? हॉलैंड से पहले बॉम्बे में थे, मुझे आईडिया बताया देश मतलब दुबई था, दुबई लास्ट लास्ट कौन सा दुबई दुबई में दुबई तो कौन सा इतना देश है जो आप रह गए मेरे ख्याल से इमरान खान भी इधर इमरान खान दो किस्म के, एक बोलने वाला एक दूसरा बोलते इमरान हाशमी। तो आप पिछले बार गए सुदाम से लौटकर भारत देश, तो वहाँ पर अपने दोस्तों से आपने क्या वहाँ पर क्या बताया उन लोगों? तो हम किसी भी इंटरव्यू में जब भी पूछते कहाँ कहाँ परफॉर्म किया तो हम सुरनाम हमेशा बोलते कि सुरनाम गए वहाँ पे अलग ही है, और हम कितना हमें बताना पड़ता है कि सुरनाम जाओ देखो एक्सपीरियंस करो बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड सब फैमिली की तरह यहाँ पे एंड एवरीबॉडी इज वेरी वार्म, तो हम सबको बोलते कि बिल्कुल ये एक जगह है जहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा जस्ट and meet our fellow Indians. और जितना प्यार हमें यहाँ पे मिलता है ना कहीं और नहीं मिलता, बहुत प्यार मिलता है सच में, और शो पे भी मिलने वाला बहुत ज़्यादा प्यार। Exactly. आप लोगों को मैं रेडियो अमूर की ओर से बहुत बहुत सक्सेस, आपका शो एकदम कामयाब हो, आने वाले समय चल दो, न सिर्फ ये शो आने वाले शो जितने भी आप करेंगे बहुत बहुत कामयाब, शुभकामना हो। और खानिशातर रॉयल दश एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा दिल होना चाहिए कि आप वो लेकर आए हैं, बिल्कुल 100% हाँ, और भाई वीरेन कातराम बोलता है करता भी है, जो नहीं बोलता वो डेफिनेटिवली करता है, ऐसा ही है। सुनील डीजे सुनील एक बार लाइफ खुद कुछ बोलना चाहते हैं आप अपने चाहने वालों से, जरा बोलिए। Let's begin the show. हाँ, शो के लिए जरूर आए प्लीज, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन, वी कांट वेट टू सी यू गाइस, दिस टाइम इट्स आउटडोर सो लाइक देयर इज नो कंस्ट्रेंट, लाइक यू नो एनीबॉडी कैन कम, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कैन कम, सो जस्ट कम फॉर इट। और आपके जो दोस्त हैं जो शायद दूसरे एथनिसिटी से हैं, जैसे यहाँ पे सुरनाम में अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, तो आई थिंक दे वुड लाइक टू वॉच अ शो लाइक दिस, दे माइट हैव नॉट हर्ड ऑफ अस एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू perform for new audiences within Suriname. तो अपने families को भी साथ में ले आइए, bring your loved ones as well. Yeah, we're gonna have a great time. Show में जरूर आना, हम बहुत मस्ती करेंगे, party करेंगे और बस एक दूसरे को देखेंगे। Thank you. दो साल हमें इतना ज्यादा प्यार दिया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल फॉर द शो, गेट एवरीबॉडी पॉसिबल, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, गेट एवरीबॉडी, लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड हैव अ ह्यूज पार्टी। पार्टी तो होगा जरूर। अच्छा, थैंक यू सनम जी, धन्यवाद।